वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पी के एडिटिंग जोन। तो गाइज मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए के नवरात्रा स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। जैसा गाइज आपने थंबनेल में देखा था हम कुछ इस प्रकार से पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है पिक्सार्ट। तो अगर गाइज आपके पास मेरे वाला पिक्सार्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सार्ट ले सकते हो। तो चलिए गाइज पिक्सार्ट ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए आपको यहाँ पर सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो गाइस मैं यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर ऑल फोटो पे चले जाना है और गाइस सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइस बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने मोबाइल का ये रोटेशन कुछ इस प्रकार से ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें इमेज एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए गाइस बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए टूल ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रॉप के ऑप्शन पर चले जाना है और गाइस इस बैकग्राउंड को कुछ इतना आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। तो देखिए गाइस इतना क्रॉप कर लेना है और राइट के निशान पर टिक करना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा नीचे गाइस, यह वाला ऐड फोटो पे चले जाना है और गाइस आपको यहाँ पर हील का एक पीएनजी इमेज मिलेगा तो वो गाइस आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और गाइस एक माता रानी का इमेज है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और दोनों को गाइस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस हमारे इमेज आ चुके हैं। तो इसके बाद गाइस इसको एक बार आपको यहाँ पर साइड में रखना है और इसको गाइस आपको थोड़ा सा जूम करना है और कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन में फिट हो, देखिए कुछ इस तरह से दोनों साइड में कुछ इतना आपको जूम कर लेना है और गाइस एकदम नीचे आपको यहाँ पर डाउन में थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है और गाइस इसको एकदम डाउन में यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको इस इमेज पर क्लिक करना है माता रानी वाली पे और इसको गाइस आपको यहाँ पर इस हील पे लेकर आना है, कुछ इस तरह से आपको इसको सेट कर लेना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पे चले जाना है। तो गाइस अब आपको अपना नॉर्मल सा फोटो ले लेना है जिसमें आपका फुल बॉडी शेप हो, कुछ इस प्रकार से देखिए मेरी स्क्रीन पर दिख रहा हुआ आपको, कुछ इस प्रकार से आपको अपना एक ना एक फोटो ले लेना है और गाइस आपको अपनी पिक्चर को यहाँ पर पीएनजी इमेज बना लेना है। तो अगर गाइस आपको अपना पीएनजी इमेज बनाना आता है तो अच्छी बात है गाइस, नहीं तो गाइस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का लिंक दिया है जिसमें बताया गाइस आप पीएनजी इमेज कैसे बना सकते हो, तो वो गाइस आप देखकर बना सकते हो। तो चलिए गाइस वो आपको ऐड कर लेना है अपना पीएनजी इमेज और देखिए गाइस ऐड करने के बाद मेरा यहाँ पर देखिए कुछ इस साइड में यहाँ पर इस तरफ से फोटोशूट किया गया है। तो इसको गाइस आपको यहाँ पर देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे हमारा यहाँ पर फेस रोटेट हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा। तो गाइस हमारा इमेज कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसको गाइस थोड़ा सा छोटा करना है और इसको गाइस आपको यहाँ पर सेट कर लेना है अपनी इमेज को और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर एक और इरेजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर गाइस क्लिक कर देना है और फिर से गाइस इस पर एक बार और टैप करना है और कुछ इस तरह से इसका सेटिंग कर लेना है, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है और हार्डनेस को भी थोड़ा सा कम और साइज़ को भी थोड़ा सा छोटा कर लेना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर एक बार इस पर फिर से क्लिक कर देना है और दोनों उंगली से अपने पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम करना है और आपको अपने पैरों के नीचे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है। सॉरी गाइस ज़्यादा हो गया, तो इससे आप यहाँ पर रिकवर भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस आपको यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और गाइस राइट के निशान पर टिक करना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो पर चले जाना है। तो अब गाइस आपको ब्रेड का पीएनजी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर गाइस यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा जूम करना है और गाइस आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, इसको अच्छे से गाइस यहाँ पर सेट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है और देखिए गाइस हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ऐड फोटो पर चले जाना है। तो गाइस मेरे पास एक नवरात्रा उत्सव का पीएनजी इमेज है, वो गाइस सेलेक्ट कर लेना है और ऐड कर देना है। इतना करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा रोटेट करना है और गाइस थोड़ा सा छोटा करना है और गाइस आपको यहाँ पर सेट कर देना है। यहाँ पर सेट करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना है और इसको गाइस स्क्रीन पर टिक करना है और गाइस एक बार राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देखिए गाइस हमारा इमेज कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है। तो उसके बाद गाइस चलिए इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइस आपको क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर देखिए मैं प्रीमियम वर्जन में सभी इफेक्ट और फिल्टर है जो फ्री है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं एक बार ये वाला इफेक्ट है जो ऐड कर लेता हूँ और देखिए गाइस इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर टिक करना है। तो देख सकते हो गाइस हमारा इमेज एडिट होने के बाद कितना अच्छा शानदार इमेज बन चुका है। तो चलिए गाइस इसे आप गैलरी में सेव कर लेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है गाइस, इस पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको गैलरी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे हमारा इमेज है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और गाइस जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको आगे किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चले गए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गए जय हिंद जय भारत।